तो बोलना यह है इस सरकार से, क्या 50 साल पहले आपने हर गांव में स्कूल बनाया था? क्या 50 साल पहले आपने हर गांव में अस्पताल बनाया था कि मेरे बच्चों के नाम, मेरे बाप दादा के नाम स्कूल का सर्टिफिकेट होगा? हमें तो आपने तालीम नहीं दिया, हमारे लिए अस्पताल नहीं बनाया, तो जन्म का वो सर्टिफिकेट हम कहां से लाएंगे? आज तक दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए किसान मजदूर, इस शहर से उस शहर, इस नगर से उस नगर, के कहां रोजी रोटी मिल जाए, कहीं तो रहने का ठिकाना नहीं हुआ, और आप जमीन का कागजात मांगते हो। मतलब ये नामुमकिन है? अगर ये नामुमकिन है तो सरकार अगर गरीब आवाम से, अक्सर जो गरीब लोग हैं उन्हीं के पास जमीन नहीं है, उनको तालीम नहीं मिला है, वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, उसके पास कागजात नहीं है, कितने दंगे फसाद हो गए, कितने बाढ़ हो गए, और इसके बाद आप पूछते हो कागज दो। आप 2 साल पहले रफेल का कागज नहीं दिखा सकते, सुप्रीम कोर्ट में बोलते हो कि कागज हो गया, आपका माफी हो गया, और हमारा 130 करोड़ भारत के रहने वाले, उसका माफी नहीं होगा। आप कौन होने वाले वाले हो कि उसे कागज मांगते हो? कि सबूत दो, इस जिस्म को काट दो, इसमें जो कतरा कतरा बूंद बूंद खून निकलेगा वो हर बूंद बोलेगा कि हम भारत के निवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, कोई सबूत का जरूरत नहीं है। मेरा सर से लेकर पैर तक, हम टोटल हिंदुस्तानी हैं। इस मुल्क में हमने जमीन को सींचा, अनाज उगाया, हम मजदूरी किए, सड़क बनाए, हम बिल्डिंग बनाए, स्कूल को नहीं, ये दोनों हाथों से। आज तुम पूछते हो कि हम भारत के हैं या नहीं? फखरुद्दीन अली अहमद 5वां प्रेसिडेंट भारत का, उसके परिवार को बोल रहा है कि वो भारतीय नहीं है। करगिल वार में जो भारत के लिए पाकिस्तान से लोहा लिया, गोला बारूद का सामना किया, उससे पूछता है कि तुम भारतीय नहीं हो, तुमको डिटेंशन कैंप में जाना पड़ेगा। आप सोचो इस कानून को नहीं मानेंगे। मुद्दा क्या है मालूम? मुद्दा यह है कि आजादी से बाद से आज तक हर सरकार आई, हर पॉलिटिकल पार्टी आई, सुनहरा सपना दिखाई, रोटी कपड़ा मकान की कहानी जो बुनियादी आजादी के बाद मिला था, आज तक वही सपना हमारे पास है, लेकिन वो हकीकत नहीं बना। आज भी सबके पास खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, आज भी सबके पास कपड़ा नहीं है, आज भी सबके पास मकान नहीं है, जो बुनियादी वादा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। सारे सपने दिखाए, लेकिन कल तक ये था कि सरकार हम पे वादा करती थी, हम उसके वादे को, दिलासे को भरोसा करके वोट देते थे, सरकार मांगते थे, लेकिन हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि कुछ कुछ काम हुआ है, मुल्क में कुछ तरक्की हुआ है, लेकिन तरक्की तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट